चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर मेटेलिक वायर द रेशियो वी अपॉन आई वेयर वी इज अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस आई करंट फ्लोइंग इज, ठीक है तो वी अपॉन आई क्या होता है, वी अपॉन आई होता है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है याद रहेगा, ये तो याद ही होगा, सबको याद होगा वी अपॉन आई की वैल्यू क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। अच्छा टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी कह रहा है, देखो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, एम अपॉन ई स्क्वायर एन इंटू टाउ, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अब नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होता है तो टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाता है, और देखो रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के, तो अगर टाउ डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी कि नहीं करेगी, अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी तो R is equal to क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए, तो R is proportional to रो, रेजिस्टिविटी अगर इंक्रीज कर रही है तो रेजिस्टेंस भी तो इंक्रीज करेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है यानी V upon I की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, तो टेम्परेचर राइज से V upon I यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करती है, B वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।